ग्रेटर नोएडा के श्री नादार विश्वविद्यालय में जो है एक छात्रा के गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर उसके बाद जो है खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मैं इस वक्त धनोरा के उस छात्र के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि उसी छात्र के घर के बाहर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन लोगों को, स्थानीय लोगों को, उनके मिलने वालों को जैसे जैसे सूचना मिल रही है वो एकत्रित हो रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं, जाने लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? लखपत सिंह। अच्छा, क्या हुआ नोएडा में, किस तरह जो गोली मारकर हत्या हुई है? हाँ, जैसे ही मैंने अभी अभी सुना तो ये सुना कि इस लड़की का पता नहीं विवाद तो क्या था, ऐसा तो कोई गोली नहीं मार सकता। उसमें हुआ और वो लड़के ने गोली उसके लड़की को मारी, फिर उसने खुद अपने आप को गोली मारी। और भी कुछ लोग हैं, जाने लेते हैं। चाचा, क्या नाम था लड़के का, किस तरीके का व्यवहार था? और जो है बताया जा रहा है कि छात्र जो है शुरू से ही अपनी क्लास का टॉपर रहा है, तो ऐसा क्या वजह रही? लगा पढ़ा लिखा बच्चा था, अच्छा पढ़ रहा था, माँ बाप भी खूब मेहनत कर रहे थे पढ़ाने के लिए, तो ये नहीं कह सकते क्या भी बात बना, कैसे गोली मारी लड़की के और कैसे उसने खुद के अपने आप को मारी। तो कभी आपकी बात हुई किस तरीके का? मतलब बहुत ही सभ्य व्यवहार था लड़के का, हर आदमी को, छोटे बड़े को, जैसा भी रिश्ता था वैसे ही वो दुआ सलाम करता था, किसी से कोई विवाद नहीं था उस बच्चे का। बस इस तरह से बहुत ही पढ़ने में, मतलब गांव में आने के बाद भी वो कहीं किसी घर नहीं जाता था, अपने घर पढ़ने से अलावा उसका कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। तो ये ग्रामीण थे जो उन्हीं के घर पर आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो लड़का था वो अपने घर का इकलौता था और एक बहन है उसकी, और शुरू से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। हालांकि जो परिवार है वो ग्रेटर नोएडा के लिए निकल चुका है। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।